अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, लास्ट लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए थे, उसके बाद फिर हम उसको प्रोसीड कंटिन्यू करेंगे। ओके, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी डिस्कस देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स एंड एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड 10 elements are almost sufficient for us to know about. We mentioned that there are 16 million organic compounds, but this figure is not accurate. It's just a hypothesis, you could say, or a probability. Okay. Then हमने ये बात की थी कि hydrocarbons क्या होते हैं? Carbon और hydrogen containing compound hydrocarbon कहलाते हैं। जहन में रहे, इफ यू हैव एनी ऑक्सीजन और एनी अदर एटम इन दैट मॉलिक्यूल दैट विल नॉट बी कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप के हवाले से बात करें तो हाइड्रोकार्बन के अंदर आपका एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइन्स है, ये तीन तो ज्यादा कॉमन है, फेमस है, लेकिन एरीन्स भी हो सकते हैं, यानी एरोमेटिक कंपाउंड, बशर्ते कि उसमें कोई और हाइड्रो एटम ना हो, मतलब बेंजीन हो खाली, या नेफ्थलीन हो, एंथ्रासीन हो, फिनेंथ्रीन हो, इस तरह के जो एरीन्स होते हैं तो हम एरीन्स कहते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन में है, और डाइन्स हो सकते हैं। डाइन का मतलब है दो डबल बॉन्ड्स, या ट्राइन, तीन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हेट्रो एटम से मतलब होता है वो एलिमेंट्स या एटम जो हाइड्रोजन और कार्बन से हटकर होते हैं। काइंडली म्यूट योर सेल्फ प्लीज, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। नहीं कर रहे म्यूट आप? अच्छा, मैं कर देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, let me mute myself, let me find where could I could mute you। ठीक है, थैंक यू। देखिए, कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप अपने तौर पे म्यूट कर लिया करें, वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, बजाय इसके कि मैं यहां से म्यूट करूं आप लोगों को। फिर थैंक यू फॉर शोइंग द डिसिप्लिन। ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हेट्रो एटम कहते हैं, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह वगैरह। ये हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस की थी कि मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और आपको हाइड्रोकार्बन्स इसमें से ट्रेस करने, कितना आसान था, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। फिर हमने वैलेंसीज की बात की थी और बताया था कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, ऑक्सीजन डाई, नाइट्रोजन ट्राई, कार्बन टेट्रा एंड सो ऑन सो ऑन। और इसी बेसिस पे केमिकल कनेक्शंस देखे थे हमने, यानी बॉन्डिंग्स देखी थी। यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिस की थी कि अगर कोई वैलेंसी में डिस्टर्बेंस आती है तो आप उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि अगर कार्बन की, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की वैलेंसी में जो नेचुरल वैलेंसी से डिविएट करेगी तो उसमें चार्ज डेवलप होगा, या तो प्लस या माइनस। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला तीन टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंडेड, कंडेंस्ड और लाइन एंगल फार्मूला। वो तीनों हमने डिस्कस किए थे और बताया था कि लाइन एंगल फार्मूला, जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा टाइम सेविंग भी होता है। ठीक है, इसको आपको बनाना आना चाहिए, इसको समझना आना चाहिए कि वर्टेक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर, का क्या मतलब होता है, और हाइड्रोजन कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्सपेंडेड हो या कंडेंस हो, उसको लाइन एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करने की। सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, मुझे लगता है स्टूडेंट अमूमन वहां थोड़ा स्ट्रगल करते हैं कि वो, जैसे ये मैं देखें हाईलाइट कर रहा हूँ, इस कार्बन को लोग, स्टूडेंट अमूमन कार्बन मानते नहीं है, इग्नोर कर जाते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन है, बीच का ये कार्बन को इग्नोर कर जाते हैं, तो इसको ना करिएगा, यही सबसे एक ट्रिकी पार्ट है, बाकी तो फिर आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। अच्छा, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीखा आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख के, लाइन एंगल फार्मूला में, क्योंकि बहरहाल चांसेस होते हैं कोई गलती से कोई एटम मिस हो जाए आपसे, तो ये आपने सीखा। फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आपको ऑब्वियसली आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता चल जाए तो। मास नंबर आपको वैसे तो दे दिए जाते हैं, लेकिन ये इतने कॉमन से हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपको वैसे ही याद होने चाहिए ना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। हाँ, अगर कोई अजीब सा कोई डी ब्लॉक एलिमेंट उठा के दे दें तो वो फिर आप हमें बताना चाहिए आपको, लेकिन ये चूंकि इतने कॉमन है तो ये इस पे ज्यादा आप, ये आपको ये आने ही चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए थे हमने सारे। अच्छा, यहाँ मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं या एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, और अगर रिवर्स जाएंगे तो वो रिडक्शन कहलाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और अगर विद इन द सेम कॉलम अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो ना ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी,
फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने उसका एस्टर बना दिया, या एस्टर है उससे आपने अमाइड बना दिया, ठीक है, या वॉट एवर जो भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर लें, तो वो ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमने सीखा था कि ज्यादा मोर बॉन्ड्स टू हेट्रो एटम होंगे तो ऑक्सीडेशन होगी, लेस बॉन्ड्स टू हेट्रो एटम होंगे तो रिडक्शन होगी। अच्छा, यहीं पे स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एल्कीन और एल्काइन को क्यों रखा गया इन कॉलम में जबकि उनमें तो कोई हेट्रो एटम नजर ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो सर द एल्कीन एंड एल्काइन शुड हैव बीन प्लेस्ड इन द फर्स्ट कॉलम यानी जीरो बॉन्ड्स टू हेट्रो एटम, लेकिन नहीं रखा, इट्स डेलिबरेट, जानबूझ के ऐसा किया है। इसका रीजन ये है कि ठीक है एल्कीन और एल्काइन में हेट्रो एटम नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर एल्कीन की हाइड्रेशन करें यानी उस पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो एल्कोहल बनता है, यानी एक टर्मिनल पे हाइड्रोजन ऐड होता है, एक पे ओएच ऐड होता है, तो वो एल्कोहल तो उसी, वो कोई ऑक्सीडेशन तो नहीं हुई क्योंकि एक कार्बन आपका रिड्यूस हो रहा है और एक कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एल्कीन को हमें रखना पड़ेगा एल्कोहल लेवल पर ही। अच्छा, अब जब हम एल्कीन की बाकायदा केमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी केमिकल रिएक्शंस, तो उस वक्त आपको बेहतर बात समझ में आएगी क्योंकि मैं उस वक्त मैकेनिज्म भी ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन करूंगा और रिएक्शन भी करूंगा, तो उस वक्त मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि भाई एल्कीन को हमने एल्कोहल लेवल में इसलिए रखा है कि एल्कोहल और एल्कीन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपस में, या मतलब आप एल्कोहल से एल्कीन बनाए या वाइस वर्सा, वो ना ऑक्सीडेशन कहलाती है ना रिडक्शन कहलाती है। इसी तरह एल्काइन की जो जोड़ी बनती है वो एल्डिहाइड के साथ बनती है, अगर टर्मिनल एल्काइन है तो वो एल्डिहाइड के साथ होती है। अच्छा, एक मैं आपको बात और बताऊं जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताई थी कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जितने भी नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट एल्केन, याद रखिए एल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्टिविटी, और एल्केन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता सिवाय एक दो रिएक्शन के जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक कम्बस्शन होता है, एक रेडिकल हेलोजिनेशन होती है या रेडिकल नाइट्रेशन और सल्फोनेशन भी होती है, लेकिन वो बहुत ही कम रिएक्शन हैं। और दूसरा एल्केन जो है वो उसको आप फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते टेक्निकली, ठीक है। हाँ, एक ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड बिल्कुल है, मतलब आप कोई पूछे सर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे, यू मे सिंपली से ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड, या आप इसको हाइड्रोकार्बन भी ऑब्वियसली कह सकते हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है अगर स्ट्रिक्ट डेफिनेशन देखी जाए इसकी तो, ठीक है। अच्छा, फिर ये प्रैक्टिस भी की थी कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया और उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप्स को सर्किल करना था और उसका नाम बताना था। देखिए सारी बातें मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ, ये मेरी आदत है, लास्ट लेक्चर को मैं रिकॉल करता हूँ, और आपके एग्जाम में भी ऑब्वियसली इनमें से क्वेश्चंस आएंगे और आज के लेक्चर्स में से भी आएंगे जो आपका सैटरडे संडे को एग्जाम होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस की थी, देखिए जीरो ये वन बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, जब ये टू बॉन्ड हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर टू बॉन्ड से जीरो बॉन्ड हो जाएगा तो ये रिडक्शन होगी, ये तीसरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं इस वाले की। और ये देखें एल्कीन से मैंने HBr ऐड करके इसकी हाइड्रोब्रोमिनेशन की है, मैं इसको नन कह रहा हूं, इसलिए नन कह रहा हूं कि ये वाली कार्बन जिसपे ब्रोमीन आकर लगा है ये कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है, लेकिन ये वाली कार्बन जिसपे हाइड्रोजन आके लगा है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन लाइन एंगल फॉर्मूले में के मुताबिक यहां मौजूद है, वो कार्बन रिड्यूस हुई है, तो एक कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है और एक कार्बन रिड्यूस हुई है, तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, नन, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल कार्बन में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक कार्बन ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंपैक्ट है वो नन है। और यहीं पे देखें जवाब भी मिल रहा है इस बात का कि हमने अगर नन है तो इसका मतलब है ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं विद इन द सेम कॉलम होने चाहिए, एल्कीन और हेलो एल्केन, तो ये देख लें दोबारा ये एल्कीन है और ये हेलो एल्केन, ये रहा, ठीक है, ये वजह है इनको एक कॉलम में रखने की, ठीक है। इसी तरह बाकी स्ट्रेटेजीज भी आप इसको देख सकते हैं। फिर ये कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मौजूद है हमारे पास, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मैंने शो किया है, PCC और PDC शो किया है। अच्छा, ये मैंने कॉमन लफ्ज लिखा है, जहन में रहे वरना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है, फिर आयरन भी होता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आज का लेक्चर अब हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए मैंने इतनी देर में ये पुरानी सारी बातें रिकॉल की हैं, तो सिर्फ मुझे बता दें आर यू विथ मी, यस सर, ओके, यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके आई हैव अ क्वेश्चन जी जी पूछिए। सर, जो पिछली बार एग्जांपल थी उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, जिसमें नन था उसमें आपने बोला एक कार्बन जी रिड्यूस हो रहा है और ओके, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैं बताता हूँ, ये वाली कार्बन जिसपे ब्रोमीन आकर लगा है ये CBr बॉन्ड बना है,
ये वाली कार्बन ये ऑक्सीडाइज होके CBr में कन्वर्ट हुई है, CHCBr में कन्वर्ट हुआ है, और ये वाली कार्बन रिड्यूस हुई है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बात और बताऊं, अभी मैं थोड़ी देर बाद एक टॉपिक कराऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी, तो उधर मैं आपको ये बात और समझ में आ जाएगी जब हम बाकायदा न्यूमेरिकल फिगर से बात करेंगे कि इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी और क्या हो गई है, ठीक है। तो आपको फर्दर आंसर मिल जाएगा अभी, तो होल्ड पे रहिए इस क्यूरी के लिए। ओके लेट्स स्टार्ट। कार्बन को ना हम 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर उधर मत सोचिएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं। और जब मैं ये कार्बन की टाइप्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं उन फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने इतने सारे आपको दिखाए थे, यानी एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह, और एल्केन भी शामिल कर लें क्योंकि बहरहाल वो ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड तो है। तो कार्बन की 5 टाइप्स होती है। एक कहलाती है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, और फिर एक कहलाती है सुपर प्राइमरी कार्बन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो आप डेफिनेशन भी आपने देख लिया और आपको कुछ क्लू भी मिल गया होगा। अगर कोई कार्बन किसी एक कार्बन से कनेक्टेड है तो वो प्राइमरी कहलाएगी, यानी 1 डिग्री। 2 से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी, 3 से है तो टर्शरी, 4 से है तो क्वार्टरनरी, 5 से हो नहीं सकती क्योंकि वैलेंसी 4 होती है सॉरी 4 के बाद बात खत्म हो गई, और 0 यानी किसी से नहीं है तो सुपर प्राइमरी, जिसको 0 डिग्री कहते हैं। अच्छा, इसमें जैसे प्राइमरी की मिसाल लें दोबारा, अगर वो एक से कनेक्ट है तो वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगी, लेकिन फिर बाकी 3 वैलेंसीज कहां क्या होंगी वो कोई बता सकता है मुझे? हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए, हाइड्रोजन से हेट्रो एटम्स भी हो सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन और हेट्रो एटम्स, वेरी गुड, हाइड्रोजन और हेट्रो एटम, यानी वो कुछ भी हो सकता है अदर देन कार्बन, ठीक है ना। अब उसमें यानी मिसाल के तौर पे एक कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन लगे हो और एक कार्बन लगाओ तब भी वो प्राइमरी कहलाएगा, और अगर 3 नाइट्रोजन लगे हो, एक कार्बन हो, तब भी प्राइमरी कहलाएगा, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आप अभी मैं आपको अगली स्लाइड में एग्जांपल दिखाऊंगा, वहां पे आपको और क्लैरिफाई होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ये देखिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछिए पूछिए। सर अगर एक कार्बन है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है और बाकी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, सर ये क्या होगा? ये सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी। सर हम साइनाइड ग्रुप को भी एज अ काउंट करेंगे उसके अंदर? क्यों नहीं करेंगे भाई, साइनाइड में कार्बन तो आ रहा है ना। आप ये कह रही है ना कि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे, एक CH3 लगा, एक CN लगा हुआ है, तो वो जो सेंट्रल कार्बन है उसको हम सेकेंडरी कहेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड है। डायरेक्ट मुश्किल की बात करते हैं, इसको मैं टर्शरी कह रहा हूं, 3 डिग्री इस कार्बन को जो टॉप पर है। इसकी वजह यह है कि यह एक कार्बन से कनेक्टेड है लेकिन थ्रू ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 सिंगल बॉन्ड, इक्विवेलेंट टू 3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, थ्योरेटिकली मैं बात कर रहा हूं। तो यानी कि ये एक कार्बन से कनेक्ट है, फिर दोबारा एक कार्बन से कनेक्ट है, फिर दोबारा एक कार्बन से कनेक्ट है, और एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है यहां पे जो नजर नहीं आ रहा। तो ये वाली स्पेसिफिक कार्बन टर्शियरी इन नेचर है, ठीक है। ये वाली कार्बन, ये जो नजर नहीं आ रही जो बीच में मौजूद है, ये क्वार्टरनरी है, 4 डिग्री, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट है और एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट है, और ट्रिपल बॉन्ड को मैं 3 दफा सिंगल बॉन्ड मान रहा हूं, तो 3 दफा सिंगल बॉन्ड यहां, 1 दफा यहां, तो ओवरऑल क्वार्टरनरी इन नेचर हो गई, ठीक है। ये वाली देखिए, इसको मैं सेकेंडरी कार्बन कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है और इस कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, 2 कार्बन से कनेक्ट है तो सेकेंडरी हो गई, और बाकी जो 2 वैलेंसीज है ना वो एक ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हो रही है और एक हाइड्रोजन से हो रही है जो नजर नहीं आ रहा आपको लाइन एंगल फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। इसको 0 डिग्री कह रहा हूं, इसको, इस वाली कार्बन को, इसलिए कि ये 2 दफा ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और 2 दफा हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यानी कार्बन से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं इसको सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कह रहा हूं।
इस वाली कार्बन को देखिए, इसको मैं सेकेंडरी या टू डिग्री इसलिए कह रहा हूं कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, ये इस वाली कार्बन से, यानी सिंगल बॉन्ड फिर दोबारा सिंगल बॉन्ड, और दो जगह ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है। तब आप समझ गए होंगे, मैं बाकी सारे नहीं बता रहा। अगर आपको इनमें से कोई स्पेसिफिक कार्बन समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No question? Shall I proceed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. Very good. और इधर गौर से देखिएगा, ये देखें, ये CN है, C triple bond है, nitrile। ये वाली कार्बन 1 degree कहलाएगी, क्योंकि ये एक कार्बन से कनेक्ट है और 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट पता नहीं क्यों उसको टर्शियरी कह देते, आई डोंट नो द रीजन, लेकिन वो कह देते, आप मत कहिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने कार्बन की एक तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब ये दूसरे तरीके की क्लासिफिकेशन है कि हम कार्बन को अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं, बीटा, फिर गैमा, डेल्टा, इप्सिलॉन, जीटा, ईटा एंड सो ऑन सो ऑन। ये क्या क्लासिफिकेशन है? एक्चुअल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ वाली कार्बन, पहली कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होती है, आप उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। बस ये अल्फा कार्बन ही पहचानना जरा मुश्किल काम है। अगर आपने अल्फा सही पहचान ली, अल्फा कार्बन, तो बस अगली कार्बन बीटा है, फिर तो गिनती यानी ऑर्डर बिल्कुल जैसे ये ग्रीक लेटर्स होते हैं ना, ये उसी हिसाब से चलेगा, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा और वगैरह वगैरह। वैसे तो खैर हम ईटा जीटा तक नहीं जाते, यूजुअली हम शुरू के 4 तक ही जाते हैं, यानी हम यूजुअली यहीं तक जाते हैं अल्फा से गैमा तक। लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जरा क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं सर डेल्टा के बाद वाली कार्बन कौन सी होती है, तो वो एप्सिलॉन होती है, फिर जीटा और फिर ईटा, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ये रही, ये सॉल्ट एग्जांपल है मेरी, मैंने दिया आपको। ये देखिए, OH जो है ना, हाइड्रोऑक्सी, ये एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल के साथ, OH के साथ ये वाली कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, पहली कार्बन, तो इसको मैंने अल्फा कह दिया। अब ये अगर अल्फा है तो बस फिर बाकी तो आप कर ही लेंगे, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा वगैरह वगैरह। तो ये तो आसान सी एग्जांपल थी। दूसरी वाली देखते हैं, ये वाली देखें, यहां पे C डबल बॉन्ड O, जिसको आप कार्बोनाइल कहते हैं, और इस वक्त ये कीटोन है, जहन में रखिएगा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कहलाता है, लेकिन कार्बोनाइल जो है ना वो एल्डिहाइड की फॉर्म में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड और वगैरह वगैरह हो सकता है। तो बहरहाल यहां पे कीटोन है, लेकिन चले एल्डिहाइड भी होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फोकस है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल जो है इसके साथ, क्योंकि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन ये अल्फा है, लेफ्ट वाली, लेकिन राइट वाली भी अल्फा है, क्योंकि वो भी तो बहरहाल डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहां पे हमने एक बात और सीखी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव ओनली वन अल्फा, वी मे हैव मोर देन वन अल्फा, हम दो अल्फा भी हो सकते हैं अल्फा कार्बन, और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ठीक है, और ये गैमा है। अब मैं इसको डेल्टा नहीं कह रहा, क्यों, क्योंकि ये यहां से अगर आप घुमा के फिर पढ़ते हैं तो ये अल्फा, तो ये बीटा और ये गैमा, तो ये इस तरह की नंबरिंग है इनकी, और ये वाली कार्बन बीटा है और ये गैमा है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहां पे मैं एक बात और बताऊं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं पिछली वाली टाइप से, यानी इस टाइप से, तो इसमें फर्क है। देखिए, इस किस्म के सवाल में ना गलती करने के इम्कान कम होते हैं, क्योंकि हर कार्बन का एक इंडिविजुअली आपको देखना होता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। मैं अभी आपके क्वेश्चन पढ़ता हूँ चैट में से, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। हर कार्बन को आपको इंडिविजुअली देखना होता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है वगैरह वगैरह। यानी कि अगर आप किसी एक कार्बन में गलती भी कर जाएं, जैसे फर्ज करें ये 2 degree है, आपने गलती से इसको 1 degree कह दिया मिसाल के तौर पे, तो बाकी कार्बन के आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी हो सकता है बाकी सही निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हर कार्बन का इंडिविजुअल है। लेकिन ये जो अल्फा, बीटा, गैमा कार्बन की क्लासिफिकेशन है, ये इसमें मसला है, प्रॉब्लम है। अगर आपने अल्फा ही गलत निकाल लिया, फर्ज करें इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, आपने इस कार्बोनाइल वाली कार्बन को अल्फा कह दिया, इसको जहां मैंने हाथ रखा हुआ है, तो अगर आपने इसको अल्फा कह दिया तो फिर आप, जाहिर सी बात है, फिर आप इसको बीटा कहेंगे, गैमा इसको कहेंगे, डेल्टा इसको कहेंगे, तो इस तरह आपके सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसी है शर्ट के बटन की।
जब आप शर्ट पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, तो जो उसका पहला बटन होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पहला बटन गलत लगा लिया शर्ट का, तो नीचे के सारे बटन गलत लगेंगे, और अगर पहला बटन सही लगाया तो दूसरा भी सही लगेगा। तो शर्ट का पहला बटन इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह यहाँ पे भी अल्फा को ट्रेस करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपकी क्यूरीज ले लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट की क्यूरीज है, लेट मी रीड। ये कहते हैं आई प्रोबेबली वुड हैव, सॉरी ये तो था, रिमूवल ऑफ एच एटम, हाउ इज वन कार्बन ऑक्सीडाइज। ये अब्दुल राफे कमाल ने लिखा, लेकिन मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे। ये पुराना क्वेश्चन है, आपने आंसर कर दिया। अच्छा कर दिया, थैंक यू। सैयद हसन अली कहते हैं जो कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन है। हाँ ये भी मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो भाई ये सीखें कि ना प्राइवेट मैसेज ना किया करें, एवरीवन में किया करें, ताकि सब कोई हर कोई सीख सके। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ कि कार्बोनाइल इट्सेल्फ फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैंने इस कार्बन को अल्फा नहीं कहा। ये यही फर्क है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है, ये लिखी हुई है स्क्रीन पे, कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है और नॉन कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने उस कार्बोनाइल को अल्फा नहीं कहा, मैंने इसको अल्फा नहीं कहा। यही कंफ्यूजन होता है। अगर मैं इसको प्राइमरी सेकेंडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कैलकुलेट करने को कहूं, तो यकीनन ये सेकेंडरी होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी होगा, ये वाला भी सेकेंडरी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये पांचों कार्बन लगातार सेकेंडरी होंगे। हाँ, ये वाली कार्बन जो है वो क्वार्टरनरी होगी, क्योंकि चार जगह से होगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है जी जी सर, ये जो आपने कार्बोनाइल वाली बात कही, ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगी ना, जिस कार्बन से डबल ओ और ओएच अटैच होगा वो अल्फा कार्बन नहीं होगा, लेकिन जिसको ऑपोजिट वाला होगा वो होगा ना अल्फा कार्बन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक मिनट रुकिएगा, जैसे एसिटिक एसिड होता है ना, इथेनोइक एसिड, CH3 कार्बोनाइल और OH उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो जो CH3 है मिथाइल, वो अल्फा कार्बन कहलाएगा एसिटिक एसिड में। जी पूछिए। सर ये जो हमने अभी बनाया दूसरा स्ट्रक्चर जी, इसको हमने, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप को हमने डबल बॉन्ड पे क्यों प्रायोरिटी दी है? वेरी गुड क्वेश्चन, I am greatly impressed. और सर, secondly, सर, अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो फिर हम क्या करें? Very good question. आपका नाम क्या है? सर, मोहम्मद शाजिल मुमताज फ्रॉम मियांवाली। Very impressive, very impressive. मैं आपको आंसर देता हूँ। पहले मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो फिर जाहिर सी बात है दोनों के रिस्पेक्ट से अल्फा बीटा अलग अलग निकलेगा। तो ऐसे केस में हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि अल्फा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी है या विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो है। मिसाल के तौर पे एक हाइड्रोक्सी मौजूद है, एक नाइट्रो मौजूद है, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे ये मॉलिक्यूल है पहला, यहाँ OH लगा है, मैं यहाँ पे NO2 लगा दूँ नाइट्रो, तो भी ये वाली कार्बन अल्फा होगी हाइड्रोक्सी की रिस्पेक्ट से, लेकिन ईटा बन जाएगी नाइट्रो की रिस्पेक्ट से। तो फिर आपको रेफर करना पड़ेगा कि आप किस FG के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और दूसरा आपका पहला सवाल ये था, तो मैंने दूसरे का आंसर दिया है कि ये हमने कार्बोनाइल को प्रीफर किया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। देखिए भाई, बात ऑनेस्टली ये है कि यहाँ पे भी कोई ये रूल नहीं है, क्योंकि हम ये कोई नॉमनक्लेचर नहीं पढ़ रहे। ये हमने बेसिकली कार्बोनाइल ही की रिस्पेक्ट से अल्फा बीटा बोला है, क्योंकि बाय कॉन्वेंशन एल्कीन की रिस्पेक्ट से अल्फा बीटा नहीं निकाला जाता। यानी हम जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसकी रिस्पेक्ट से जो अगली कार्बन होती है, मतलब जैसे यहाँ पे ये जो जिसको मैं गैमा कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर ये एल्कीन की रिस्पेक्ट से ये अल्फा हो जाएगी, तो होनी तो चाहिए, क्योंकि अगर आप एल्कीन को एक फंक्शनल ग्रुप मानते हैं सी डबल बॉन्ड सी को, तो ये कार्बन अल्फा होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। बाय कॉन्वेंशन एल्कीन या एल्काइन के रेफरेंस से आप अल्फा बीटा नहीं निकालते, बाकी सबकी रिस्पेक्ट से निकालते हैं, चाहे वो कार्बोनाइल हो या OH हो या नाइट्रो हो या हेलोजिन हो। ठीक है, ये कॉन्वेंशन है, वरना चाहे तो निकाल लें, मतलब आप निकालेंगे मैं समझ जाऊंगा, मैं निकालूंगा आप भी समझ जाएंगे, लेकिन कहीं किसी लिटरेचर में आपकी बात नजर नहीं आएगी, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सर, वेलकम। लेट्स कंटिन्यू रिज्यूम। अब ये कार्बन की दूसरे तरीके से कार्बन की तीसरे तरीके से फिर क्लासिफिकेशन सीखते हैं। ठीक है, वो ये है हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस के ऊपर, के कार्बन की नेचर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये तीन मैंने लिखी हुई है, sp2, sp3 और sp।
ये हमारे पास नेचर है इनकी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके ठीक है। अच्छा सॉरी आई वॉज बिजी समवेयर। हाँ तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन, हमें एक तो आपने थोड़ी सी अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ी होगी, बाकी ये है कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। मैं डेफिनेटली फिलहाल इसको कवर नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो है ना मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि वो एक इसकी बॉन्डिंग नेचर क्या है, टेट्राहीड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये लीनियर है वगैरह वगैरह। तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ तीन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, sp3 sp2 sp, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही की रिस्पेक्ट से पढ़ रहे होते हैं और कार्बन आपको पता बड़ा सादा सा एलिमेंट है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं तो वहां पे डी ब्लॉक इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए वहां पे और भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 d2 d2 sp3 और बहुत सारी और भी होती है, तो हमें वो डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एंड रिजल्ट बता रहा हूं कि अगर कार्बन के चार सिंगल बॉन्ड बने हुए हों, यानी चारों तरफ कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी से कनेक्ट हो, चाहे वो मजीद कार्बन से कनेक्ट हो या हाइड्रोजन से कनेक्ट हो या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन व्हाटएवर, तो इसका मतलब है उस कार्बन की जो नेचर है ना वह sp3 है, यानी एक s ऑर्बिटल और उसकी जो तीन p ऑर्बिटल्स हैं वो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए हैं और उन्होंने चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट किए हैं जो कि sp3 ईच कहलाएगा, हर ऑर्बिटल sp3 कहलाता है। तो खुलासा ये है कि अगर कार्बन की जो वैलेंसी है वो थ्रू ऑल सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई हो रही है तो वह sp3 कार्बन कहलाएगा, अगर उसकी जो चार वैलेंसी है कार्बन की वो एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई हो रही है तो आप उसको sp2 इन नेचर कहेंगे, और अगर उस कार्बन की जो चार वैलेंसी है उसको आप एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जस्टिफाई सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, या दो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कर रहे हैं तो आप उसको sp1 कहते हैं, ठीक है। ये मतलब मैं डायरेक्ट आपको एंड रिजल्ट बता रहा हूं, ये मैं आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, ये एंड रिजल्ट बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन एक अलग टॉपिक है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड टॉपिक, इंशाल्लाह यू विल बी कवरिंग इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर, ठीक है। लेकिन ये बहुत बेसिक सा है तो इसलिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उसको, हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ाए बगैर एंड रिजल्ट पे ला सकता हूँ आपको। ये प्रैक्टिस करते हैं, हर कार्बन को आपको बताना है कि उसकी नेचर क्या है, ठीक है। ये आप देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं जब तक आपके कमेंट पढ़ता हूँ। वोंट द कार्बन जस्ट बिलो द डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन बी कॉल्ड अल्फा इन द प्रीवियस स्लाइड? ये वाली कार्बन शायद आप कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, ये नहीं ऊपर वाली, ये वाली फर्स्ट वन, ये नहीं सर इसके लेफ्ट पे, ये जी सर नहीं नहीं कहलाएगी, क्योंकि मैं यही तो बता रहा हूँ, मैंने सी डबल बॉन्ड ओ जिसको कार्बोनाइल पढ़ते हैं उसको एक फंक्शनल ग्रुप माना है, क्योंकि ये है तो जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसके साथ जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है हम उसको अल्फा कहेंगे, तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम। अच्छा भैया आ गया, यहां देखिए कि ये वाली कार्बन जो कोने पर है टर्मिनल कार्बन, ये CH3 है, ठीक है, मिथाइल, यानी ये एक कार्बन से कनेक्टेड है थ्रू सिंगल बॉन्ड और तीन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है थ्रू सिंगल बॉन्ड, यानी इसकी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। वो अलग बात है कि आपको उस वक्त एक नजर आ रही है, यानी एक सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है और तीन सिंगल बॉन्ड नजर नहीं आ रहे, वो आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि वो हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा क्योंकि लाइन एंगल फॉर्मूला मैं आपकी ये प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं, वरना अगर मैं ये कंडेंस फॉर्म में लिखता तो यकीनन आपको नजर आते CH3 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो बहरहाल ये वाली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगी, ये वाली कार्बन। नाउ कम टू दिस कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना रही है और इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रही है, यानी एक ट्रिपल और एक सिंगल, तो टोटल चार हो गए वैलेंसी, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाएगी ये वाली। इसी तरह ये वाली भी sp हाइब्रिडाइज कहलाएगी, और ये वाली कार्बन sp3 है दोबारा जैसे पहली वाली थी। इसका रीजन ये है कि ये तीन जगह सिंगल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये कार्बन और ये कार्बन, और एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है,
तो ये sp3 हो गई। और ये जो कार्बोनाइल वाली कार्बन है, ये वाली, ये जो मूव कर रहा हूं कर्सर, इसको मैं sp2 कह रहा हूं, क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड जो कि ऑक्सीजन से बना रहा है और दो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये sp2 हो गई। इसी तरह ये भी sp2 हो गई, 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 ठीक है। मतलब sp2 की तो बड़े आसान सी पहचान है कि अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है, यानी दैट कार्बन इज द पार्ट ऑफ द डबल बॉन्ड, चाहे वो अगली किसी और कार्बन से डबल बॉन्ड बना रही हो, या ऑक्सीजन से बना रही हो, या नाइट्रोजन से बना रही हो, या सल्फर से बना रही हो, वॉट एवर किसी से भी डबल बॉन्ड बना रही हो कार्बन, तो वो sp2 इन नेचर कहलाएगी, सीधी सी बात है। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, तो मतलब सिंगल बॉन्ड ही बच गया, वो sp3 कहलाएगा। और अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसी से बना रही है तो वह sp कहलाएगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये वाली कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। इसको देखिए CN को, मैंने इसको sp लिखा है क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको sp कहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, यस सर, गुड। अच्छा अच्छा, अभी अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट का, जो मैं होल्ड करता हूं। मैं अब आपको जो मैंने अब तक जो दो तीन टॉपिक्स पढ़ाए, हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर आऊंगा दोबारा। ये तो चले, ये फंक्शनल ग्रुप है तो पुराना टॉपिक है पिछले लेक्चर का, लेकिन चले देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, एक एल्काइन है, ये रहा, एक एल्कीन है, ये रहा, एल्कीन है, एक एल्कोहल है, ये रहा, वेरी गुड, ठीक है ना। यानी ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये समझे सवाल है आपका, और जो कलर्ड में लिखा हुआ है ये आपको इस तरह जवाब देना होगा एग्जाम में, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल है, आपको इस तरह इनसर्किल करना होगा, यानी ऑक्सीजन और दोनों तरफ वाली कार्बन को कंटेन करते हुए, इसको ईथर कहते हैं, ईथर, ठीक है। और ये आपका कार्बोनाइल है, लेकिन आपको बताना होगा कि कौन सा वाला कार्बोनाइल है, ये कीटोन है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है। मेरी बात समझ रहे ना? Yes, ठीक है। इसमें देखें, ये NO2 को आपने अलग कर दिया, नाइट्रो कह दिया, इस रिंग को, एरोमेटिक रिंग को अलग कर दिया, एरीन कह दिया आपने। अच्छा, आप इसको बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा आप इसको एरीन कहें, क्योंकि एरीन जरा जनरल टर्म हो जाती है, उसमें फिर नेफ्थलीन भी आ सकता है और भी हाइड्रोकार्बन वाले एल्कीन एरोमेटिक कंपाउंड आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल बेंजीन भी लिखते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशंस थी, ठीक है। देखें ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हेट्रोएटम, हेट्रोएटम। और रिडक्शन कहते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेट्रोएटम, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्सीडेशन, ये क्योंकि वन बॉन्ड से वन बॉन्ड ही रह रहा है, वेरी गुड, शाबाश। ये नन है, ये थ्री बॉन्ड, थ्री बॉन्ड है, ये तो रिडक्शन है, अच्छा अच्छा। एक बात और सुनिएगा, फिर मैं ये मोहम्मद साले की बात का जवाब दूंगा कि नन का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा, नन का मतलब है ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन बहरहाल कुछ तो हो रहा है ना। मिसाल के तौर पे ये जो रिएक्शन बी है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, क्योंकि OH सब्स्टिट्यूट, Cl सब्स्टिट्यूट हो रहा है OH से, ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन चूंकि मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं पूछ रहा, मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या नन, तो इसलिए आपने नन लिख दिया। लेकिन वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन है। सी वाला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन कह लें, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है बिल्कुल, या आप एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, इट्स ओके। डी क्या है, हाइड्रोलिसिस नहीं है, ये डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना, निकलना, डिहाइड्रेशन। H2 निकला है और O निकला है, H2O निकला है, ये H2 ये O, तो इट्स डिहाइड्रेशन, ठीक है। और आखिरी वाला सब्स्टिट्यूशन, ये हाइड्रोलिसिस है,
यह हाइड्रोलिसिस है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे इसको, हालांकि NH2 सब्स्टिट्यूट हो रहा है OH से, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस कराएगा, क्योंकि ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरह आता है और वो उसको तोड़ता है, वो हम जब केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल पढ़ेंगे इंशाल्लाह 3-4-5-6 लेक्चर्स बाद, जब आपको और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस है। तो ये डी और एफ को गौर से देखिए, अमाइड से नाइट्राइल बनना, अमाइड से कार्बोक्सिलिक बनना है, तो दोनों नन, लेकिन वैसे केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिहाइड्रेशन कहलाएगी और ये हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। तो मेक श्योर कि आप ये फर्क जानना सीखें, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद साले कहते हैं कैन एन एल्डिहाइड बी मेड इन साइक्लोहाइड्रोकार्बन? नहीं साले, इसका जवाब है नो, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन होता है एक तरफ, और हाइड्रोजन जाहिर सी बात है रिंग अपार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी वैलेंसी एक होती है, तो वो घूम के किसी और से कनेक्ट तो हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई रिंग हो और उसके साथ अलग से सी एच ओ ग्रुप लगा दें आप रिंग से बाहर की तरफ करके, तो वो होता है, लेकिन रिंग साइक्लो का एल्डिहाइड कोई ऐसी टर्म नहीं होती। हाँ, साइक्लो कीटोन हो सकता है, क्योंकि कीटोन साइकिल के अंदर आ सकता है, लेकिन एल्डिहाइड साइकिल में नहीं आ सकता। मैमूना रजाक इस्लामाबाद से कहती हैं ए को एक्सप्लेन करें, ठीक है मैं कर देता हूं। देखिए सी और ओ के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, वन बॉन्ड है, यहाँ पे सी और ओ के दरमियान टू बॉन्ड है, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेट्रो एटम हो रहा है, वन बॉन्ड से टू बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन है। अच्छा, वैसे आपको वैसे भी पता है, चले अगर ये बात तो मैंने आपको नहीं सिखाई है, मतलब कार्बन और हेट्रो एटम की बॉन्ड की रिस्पेक्ट से, कि ओवरऑल देखें एक हाइड्रोजन यहां से कम हो रहा है इस OH से, और एक हाइड्रोजन यहां से कम हो रहा है, तो दो एच कम हो रहा है, जब तो ये सी डबल बॉन्ड ओ बन रहा है, तो हाइड्रोजन का डिक्रीज होना भी तो ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, ठीक है। ओके, अब ये आ जाए टाइप ऑफ कार्बन के ऊपर, 0 degree, 1 degree वगैरह वगैरह हम इसको असाइन करते हैं। तो इसके लिए ये देखिए डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं दोबारा स्क्रीन पर दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, कि किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, कि अगर कार्बन एक से हो तो प्राइमरी है, और अगर दो से हो तो सेकेंडरी है, एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है ना। ये पांच टाइप्स होते हैं कार्बन के, तो ये रहे, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मुझे बताइए ये वाली कौन सी कार्बन है? प्राइमरी, वेरी गुड, शाबाश, प्राइमरी या वन एक ही बात है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ये वाली बताइए? ठीक है, वेरी गुड। ये वाली? हाँ, टर्शियरी, 3 degree। ये 2 degree सर, सेकेंडरी, ठीक है। ये 2 degree, 2 degree, 2 degree, ये 1 degree, primary 1 degree, ये वाली 2 degree, 2 degree, 2 degree, 2 degree, 4 degree, 4 degree, 4 degree, very good, ये 1 degree है, तो 1 degree, और बाकी ये तीनों जो बच गए ये 1-1 है, 1 degree, ठीक है। तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है, चलिए, good, very good। और मॉलिक्यूल ये तो हम कर ही चुके हैं मेरे ख्याल से, ये 2 degree है, ये वाली, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 4 degree, ये वाली बताइए, 2 degree, 2 degree, हाँ अभी यहाँ आ गया ये 3-4, ये प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं, तो मैं ये आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक है। बस आप हर कार्बन को देख लें और अपने आप को कन्विंस कर लें कि ये ऐसे ही होगा, अगर कोई एम्बिग्यूटी या कोई क्यूरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी राइट नाउ। नो? नो सर। वेरी गुड, तो लेट्स प्रोसीड, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम इन कार्बन्स को sp3, sp2 और sp के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यही बातें उन्होंने लिखी है जो मैं आपको बता चुका था, क्या डेफिनेशन है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका भी। वैसे तो मैं ये जो दिखा रहा हूँ ना आपको, इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है YouTube चैनल पे, जो मैं क्लास खत्म होने के बाद थ्रू डॉक्टर सिद्रा का आपको कम्युनिकेट करवा दूंगा ये, ठीक है। तो आप वो देखिएगा उधर, क्योंकि आपको फिर अच्छी एक्सप्लेनेशन और भी मिल जाएगी जब आप वो सुनेंगे पूरी वीडियो को, ऑडियो उसकी। ओके, ये वाली कार्बन बताइए, sp2 sp3 sp3 sp2 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 sp2
ठीक है। अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं, मतलब ये sp2, ये प्राइमरी सेकेंडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सेकेंडरी एच, वेरी गुड। और ये वाली क्या है? सेकेंडरी क्वार्टरनरी। 4 डिग्री है, शाबाश शाबाश, 4 डिग्री है क्वार्टरनरी। और ये क्या है? 3 डिग्री। अब आप मेरी बात सुने, देखिए एक sp2 कार्बन सेकेंडरी भी हो सकती है, क्वार्टरनरी भी हो सकती है, टर्शियरी भी हो सकती है, तो मतलब कोई इनकी कोरिलेशन नहीं है, मतलब वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, ये एक अलग क्लासिफिकेशन है। आप दोनों में कोई जबरदस्ती लिंक पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा कि सर वो sp2 अगर है तो वो लास्ट 2 डिग्री होगी, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाए कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है तो वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर sp2 sp3 है तो वो अलग होगा, इन दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं है। हाँ थोड़ा सा लिंक बन सकता है, वो ये कि sp2 कार्बन अगर है तो वो लाजमी बात है कि वो आपके सुपर प्राइमरी नहीं हो सकती, वो भी खैर हो सकती है, सॉरी, अगर आप ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी मैं ऑक्सीजन लगा दूं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा दूं, तो बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि कोई इनका कोरिलेशन है ही नहीं, तो आप इनको आपस में कोई लिंक मत बनाइएगा। ठीक है, अच्छा खैर, और इसकी करते हैं, ये बताइए sp3 मैं कहां पहुंच गया। ठीक है, बहरहाल ठीक है ना भाई, ये हमने प्रैक्टिस कर ली, अब हमारा ये टॉपिक शुरू होने वाला है, ये वाला, लेट मी, ये वाला। ठीक है भाई, तो नया टॉपिक है, तवज्जो से पढ़िएगा। हमने थोड़ी देर पहले या लास्ट लेक्चर में ये तो सीखा था कि कोई जो रिएक्शन होगा यानी ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड द हेट्रो एटम। अब हम इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, ऑक्सीडेशन लेवल अलग चीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज होती है। जो हमने सीखा था वो ऑक्सीडेशन लेवल था, जो मैंने 5 लेवल बताए थे आपको, यानी जो 5 कॉलम बनाए थे ना, 0 बॉन्ड टू हेट्रो एटम, 1 बॉन्ड टू हेट्रो एटम, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड टू हेट्रो एटम, वो 5 कॉलम, यानी कि हर कॉलम एक लेवल था। तो वी वर हैविंग 5 लेवल्स ऑफ 5 ऑक्सीडेशन लेवल्स ऑफ कार्बन, वो बात खत्म हो गई। अब आप हर इंफरादी इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहां पे याद रखें कि अगर कार्बन किसी हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो उस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 होगी, कार्बन की -1 होगी। ठीक है, अच्छा जाहिर सी बात है कार्बन किसी हाइड्रोजन से अकेला तो कनेक्ट नहीं होगा, बाकी 3 वैलेंसियां भी होंगी इसकी। ये मैं आपको एक इंडिविजुअल बॉन्ड की सूरत में बता रहा हूं। अब ये CH इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी मीथेन का मॉलिक्यूल है, CH4 जिसे कहते हैं, तो उस सूरत में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो जाएगी, यानी हर कार्बन की वजह से -1, तो 4 कार्बन की वजह से -4। ठीक है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी अगर वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। अगर कार्बन किसी कार्बन से कनेक्टेड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। अब वही वाली बात, अगर ये कार्बन जो अंडरलाइन किया हुआ है चारों तरफ कार्बन से कनेक्ट है तो 0 ही रहेगा, लेकिन अगर दो तरफ कार्बन से है और दो तरफ हाइड्रोजन से है तो कार्बन कार्बन की रिस्पेक्ट से तो 0 रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से दो दफा हाइड्रोजन है तो -2 हो जाएगी उसकी। ठीक है, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब बाकी ये प्लस में लिखे हुए सारे नीचे, अगर कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट हो या ऑक्सीजन से कनेक्ट हो या सल्फर से या हेलोजिन से, एक्स मतलब हेलोजिन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उस सूरत में उस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अच्छा, ये निकल कैसे रही है? देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर और हेलोजिन सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो कार्बन से ज्यादा होती है। सल्फर तो तकरीबन बराबर ही होता है और ब्रोमीन भी इतना ज्यादा नहीं होता हेलोजिन के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन क्लोरीन तो यकीनन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं कार्बन के मुकाबले में।
तो इसका मतलब है उन पे नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसलिए कार्बन अगर हेट्रो एटम से कनेक्टेड होता है इन जनरल, तो इसकी प्लस वन होगी, उस हेट्रो एटम की माइनस वन होगी। और कार्बन कार्बन से, तो फिर तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, इसलिए जीरो कह रहा हूं। हाइड्रोजन के केस में मैं उल्टा कह रहा हूं माइनस वन, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढाई होती है, 2.5 होती है, और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ठीक है, अगर आप देखें किसी किताब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊं, आप यकीनन कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे सर आप CO के केस में कार्बन को प्लस वन कह रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन को आप माइनस वन कहना चाह रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन तो माइनस टू होता है। ये यू माइट बी थिंकिंग अबाउट दिस, तो मैं इसका जवाब दे दूं इससे पहले कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, कि ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड के रेफरेंस से बात हो रही है, यानी यहाँ पे कार्बन की और वैलेंसीज भी खाली हैं, जो कि यकीनन कुछ ना कुछ होंगी, और ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली है। तो ऑक्सीजन इस कार्बन के रिस्पेक्ट से अकेला थोड़ी है, इसके साथ कुछ और भी कनेक्टेड होगा, लेकिन हमें सिर्फ इंडिविजुअल बॉन्ड देख के उस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और फिर यही चीज चार दफा अप्लाई करनी है, मतलब चारों तरफ से ये सराउंड हुआ होगा। तो प्रैक्टिस करते थे आपको समझ में आएगी बात। ये देखिए, ये सवाल है, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये वाला कार्बन देखते हैं, पहला वाला जो सबसे ऊपर है, मैं इसको माइनस वन कह रहा हूं। अभी जरा तवज्जो से देखिएगा, ठीक है, वरना ये मुश्किल हो जाएगा, ये आप मेमोराइज नहीं कर सकते। इसको माइनस वन इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली कार्बन इस कार्बन से ट्रिपली बॉन्डेड कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन से सिंगली बॉन्डेड है। तो कार्बन से कार्बन करेक्ट होता तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल हो, ट्रिपल हो, वो बात खत्म हो गई। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन CH है, CH बॉन्ड, तो उस हाइड्रोजन का प्लस वन है, तो इस कार्बन का माइनस वन हो गया। तो ये वाली कार्बन की ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो माइनस वन हो गई। इस कार्बन की मैं जीरो कह रहा हूं, क्योंकि ये इधर कार्बन से कनेक्ट है थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, इधर कार्बन से कनेक्ट है थ्रू सिंगल बॉन्ड, यानी इसके चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, इसलिए मैं इसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा हूं। इस वाले को मैं जीरो क्यों कह रहा हूं, ये जरा मुश्किल सवाल है, गौर से देखिएगा। ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है और इस कार्बन से कनेक्ट है, तो वो तो जीरो रहेगी। ये कार्बन हाइड्रोजन से भी कनेक्टेड है, जो नजर नहीं आ रहा लाइन एंगल फॉर्मूला की वजह से, और ऑक्सीजन से भी कनेक्ट है, जो नजर आ रहा है। अब ये देखिए, दोनों इफेक्ट नलीफाई हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाइड्रोजन की वजह से इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होनी चाहिए, और ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होनी चाहिए। तो माइनस वन और प्लस वन इनको ऐड करें तो जीरो आंसर आता है। तो ओवरऑल चारों एनवायरनमेंट देखकर, चारों तरफ का एनवायरनमेंट माहौल देखकर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगी। ठीक है, यही बात यहां पे भी लागू हो रही है, यहां पे भी एप्लीकेबल है। ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है, इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है, और इस ऑक्सीजन से भी सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है। तो इस हिसाब से इस कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू होनी चाहिए, यानी माइनस वन इस ऑक्सीजन की वजह से, माइनस वन इस ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन साथ में दो हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है, जो नजर नहीं आ रहे लेकिन मौजूद है, क्योंकि ये CH2 है। तो वो दो हाइड्रोजन की वजह से क्या होगी, माइनस टू हो जाएगी, और दो ऑक्सीजन की वजह से प्लस टू हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो आप देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है, वो ये कि जितने बॉन्ड विद द हाइड्रोजन होंगे उतने ही बॉन्ड विद द हेट्रो एटम अगर होते ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस से आपको चीज समझ में आएगी। ये वाली कार्बन को मैं जीरो इसलिए कह रहा हूं कि चारों तरफ कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। इसको मैं प्लस टू कह रहा हूं, इस कार्बन को इसलिए कह रहा हूं कि इस कार्बन की वजह से तो जीरो है, लेकिन ये CN बॉन्ड है और ये CO बॉन्ड है, तो इसलिए प्लस वन CN की वजह से, प्लस वन CO की वजह से, तो दो प्लस वन मिला के प्लस टू हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे होंगे। आप सारे कार्बन को इंडिविजुअली देखिए और मुझसे कोई क्वेश्चन करें कि सर मिसाल के तौर पर ये प्लस थ्री कैसे आ रहा है या माइनस टू कैसे आ रहा है, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, तो आई एम गिविंग जी सर, ये माइनस टू कैसे आया, कौन सा वाला माइनस टू कहाँ पर है ये? मैं सर राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे, फॉर राइट पे। ओके ओके, देखिए इसलिए आ रहा है कि ये CH3 है ना, मिथाइल है, CH3। तीन हाइड्रोजन है तो कार्बन पे क्या हुई, माइनस थ्री हुई, यानी एक CH की वजह से माइनस वन, फिर दोबारा CH की वजह से माइनस वन, फिर दोबारा CH की वजह से माइनस वन, तो कितनी हो गई, माइनस थ्री। लेकिन CN की वजह से प्लस वन हो गई, तो माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू।
ओके थैंक यू सर, वेलकम। अच्छा मैं आपको ट्रिक बताऊं इसको सॉल्व करने की, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लंबा करके बता रहा था। ट्रिक ये है कि C सिंगल बॉन्ड N है यानी CN और CH तीन H है ना, तो आप सिर्फ एक की एक को कंसीडर करें, तो एक CH और एक CN आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे चार्ज के ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो CH बच जाएंगे तो उनकी वजह से माइनस टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी प्रैक्टिस के साथ साथ। और कोई क्यूरी, इसको देखें हर कार्बन को देखें और मुझसे सवाल करें कि सर मुझे ये ऑक्सीडेशन स्टेट समझ नहीं आ रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज आप लोग डिस्कशन में कम हिस्सा ले रहे हैं। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के साथ राइट साइड पे प्लस टू चीज है, ये प्लस टू ये पूछ रहे हैं। ओके ओके, ये देखिए ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है और इस कार्बन से कनेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो रहेगी। लेकिन ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से कनेक्ट है, एक नाइट्रोजन से कनेक्ट होता तो मैं इसको प्लस वन कहता, और डबली बॉन्डेड है तो मैं प्लस वन फिर दोबारा प्लस वन इज इक्वल टू प्लस टू। सर वेलकम सर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली इसका आयनिक करेक्टर बता रही होती है, ये हाइपोथेटिकल है, ये बता रही होती है कि अगर इसको हम इंडिविजुअली अज्यूम करें इन बॉन्ड्स को, जो कि होता नहीं है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है हाइपोथेटिकल, तो इस पे ये चार्ज आएगा। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड जिसे कहते हैं हम, जैसे NaCl है सबसे सादा तरीन आसान तरीन, सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है उसमें सोडियम प्लस चार्ज है और क्लोरीन माइनस चार्ज है, वो तो है, मतलब वो तो बाकायदा है क्योंकि वो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और आयनिक बॉन्डिंग इनमें हो रही है। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनमें आयनिक बॉन्डिंग तो नहीं होती है, लेकिन हम इनकी एक इनको अज्यूम करते हैं कि अगर ये वाकई इस तरह, यानी मैं आपको दिखाता हूँ, वाकई ये इस तरह एग्जिस्ट करते इस तरह, तो ये इन पे यही चार्ज होगा। लेकिन इस तरह करते नहीं है, तो हम क्या करते हैं हर इंडिविजुअल बॉन्ड की कैलकुलेशन कर करके हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक क्लू मिलता है कि कौन सा कार्बन जो है कितना आगे जा सकता है ऑक्सीडेशन करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब जी पूछिए फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा। लेकिन सर, लेकिन फिर हमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव नहीं कहना चाहिए? हाँ, मैं आपको बताता हूँ आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। देखिए चार्ज की बात कर रही हैं आप, चार्जेस ना तीन किस्म के होते हैं, याद रखिएगा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक कहलाता है फुली ब्लोन चार्ज, पूरा भरा हुआ, BLOWN, फुली ब्लोन चार्ज, जो यानी फुल नेगेटिव कह लें आप इसको, फुल पॉजिटिव कह लें। वो उस वक्त आता है जब बाकायदा तौर पर कोई बॉन्ड टूटता है, यानी जैसे CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, उसमें से H निकाल दें आप, कोई बेस आई उस H को निकाल कर ले गई, CH बॉन्ड को तोड़ दिया, तो CCl3 जो है ना उस पर C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फुली ब्लोन चार्ज कहलाता है। दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं पार्शियल चार्ज, जो आप कहना चाह रही हैं, पार्शियल चार्ज में बॉन्ड टूटता नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जैसे CO, जैसे अल्कोहल है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मिथेनॉल है CH3OH, सबसे आसान अल्कोहल। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सबको पता है, कार्बन की कम होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, 1 का डिफरेंस होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन अपने पास ना अनफेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी ये आपस में इंसाफ से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, ऑक्सीजन ज्यादा रखता है। तो ऑक्सीजन के पास जब डेंसिटी ज्यादा हो जाती है ना, तो उसको हम पार्शियल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी वक्त एट द सेम टाइम कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी पार्शियली, तो हम उसको पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। तो पार्शियल का मतलब होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बॉन्ड कोई बनता है, तो और फुल नेगेटिव फुल पॉजिटिव का मतलब है कि बॉन्ड सिरे से ही टूट गया, मौजूद ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। अच्छा, तीसरी टाइप होती है, उसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल चार्जेस, सब्सटेंशियल। वो मैं आपको थ्योरेटिकली बता तो देता हूं, लेकिन शायद आपको इतना अच्छा समझ नहीं आया जब तक मैं आपको बाकायदा कोई एग्जाम्पल ना कराऊं उसकी, तो जब एग्जाम्पल आएगी तो मैं आपको उसको दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको, चूंकि अभी मैंने जिक्र छेड़ा है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। सब्सटेंशियल चार्ज बेसिकली जब कोई मॉलिक्यूल में डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये फला कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आया थोड़ी देर के लिए, फिर वो मूव करके उधर आया उधर आया उधर आया, तो जो मुख्तलिफ जगहों पर चार्जेस डेवलप हो रहे होते हैं ना, उसको हम सब्सटेंशियल चार्ज कहते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन भी इनकी अलग होती है। फुली ब्लोन चार्ज जो होता है ना, उसको या तो आप सर्किल में लिखते हैं, यानी
यानी माइनस चार्ज बनाते हैं, माइनस का निशान बनाते हैं और पूरा ऊपर गोल दायरा बना देते हैं, ठीक है ना, या प्लस बनाते हैं पूरा सर्किल में कर देते हैं, या आप सर्किल लगाते ही नहीं है, सिरे से बस माइनस लिख देते हैं प्लस लिख देते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कि आप सर्किल लगाया करें। अच्छा, पार्शियल चार्ज में क्या होता है, आप डेल्टा का निशान बनाते हैं, और सब्सटेंशियल चार्ज में आप पैरेंथेसिस का निशान बनाते हैं, ब्रैकेट का, ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं या ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं। तो ये तीन किस्म के चार्जेस होते हैं। तीसरा वाला आपको इतना अच्छा समझ नहीं आया होगा, मुझे मालूम है, जब हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स पढ़ेंगे किसी की भी बेंजीन की या कोई कार्बोनाइल अगर आता है इनोन फॉर्म, तो उस वक्त मैं आपको दोबारा बता दूंगा। बहरहाल, तो ये आपका सवाल ये था कि सर हम यहाँ पे सीधा सीधा पार्शियल चार्ज क्यों नहीं कह देते, तो कहते हैं, वो तो कह सकती हैं आप। मिसाल के तौर पे ये वाला जो ये जो कार्बन है, ये वाला, ये पार्शियल नेगेटिव है जो C डबल बॉन्ड N है, क्योंकि सॉरी पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो अपनी तरफ डेंसिटी खींचेगा तो इसको डेफिशिएंट कर देगा। तो कह सकते हैं वो एक अलग पैराडाइम है, ये एक अलग पैराडाइम है, आप दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स ना करें। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपको ये बता रही है कि अगर आप इसको फॉर द टाइम बीइंग सेपरेट बॉन्ड तसव्वुर कर लें, जो कि होता नहीं है, तो फिर ये चार्जेस डेवलप करेंगे अपने ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, वेरी गुड, वेलकम। ये अब मैं देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, 9, ये लिखी हुई है यहाँ पे, यानी एक्सट्रीम की बात करें ना, तो कार्बन या तो प्लस 4 हो सकता है या माइनस 4 हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम कैसे जी पूछिए सर, अभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात की और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की, तो अगर सिंगल बॉन्ड से दोनों कनेक्ट हों, कोई भी दो एटम, उनके दरमियान जो डेंसिटी होगी, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं एक से ज्यादा, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो तो फिर डिफरेंट होगी ना सर। अच्छा अच्छा, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं समझाता हूँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि सर यहाँ पे तो आपने सबको कार्बन को प्लस 1 लिख दिया है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस है और सल्फर में भी डिफरेंस है, यही कहना चाह रही है ना आप? जी सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, आई न्यू समबडी वुड आस्क दिस क्वेश्चन, लेट मी रिस्पॉन्ड दिस। देखिये, ये इन्होंने राउंड ऑफ करके सारे नंबर लिखे हैं, वरना स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो तो मैं समझ गया आपकी बात। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, 118 एलिमेंट है और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वैल्यू होती है 4.0 पाउलिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट होती है पाउलिंग, यानी पाउलिंग स्केल है, उस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इस हिसाब से तो फ्लोरीन के साथ जो कार्बन कनेक्ट होगा वो इंतहाई शदीद किस्म का पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, और उसके बरक्स कॉन्ट्रारी टू दिस ब्रोमीन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो सबसे कम पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए उसके साथ कार्बन। लेकिन मैं सबको एक ही लकड़ी से हाक रहा हूँ, ठीक है ना, यानी मैं सबको एक ही, आई एम जस्ट पेंटिंग ऑल द वॉल्स विद द सेम ब्रश, कि मैं इस कार्बन को प्लस 1 कह रहा हूँ इररिस्पेक्टिव कि ये एक्स फ्लोरीन हो या आयोडीन हो और नीचे आ जाए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड। तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके सिर्फ एक मोटी मोटी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं, वरना फिर वो हमारे पास डेसिमल्स में आंसर आएंगे, वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, वो हम यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बता रहा था, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सट्रीम केस में प्लस फोर होगी या माइनस फोर होगी। प्लस फोर कब हो सकती है, जब कार्बन किस से कनेक्ट हो, फोर हाइड्रोजन एटम्स, फोर हाइड्रोजन से, नहीं सर उल्टा कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई एलिमेंट बताएं, जनरल बात ना करें, स्पेसिफिक बात बताएं, बिल्कुल सही, जैसे शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन प्लस फोर है, सीसीएल फोर के केस में प्लस फोर है, वगैरह वगैरह। और माइनस फोर कब होगा एक्सट्रीम केस, सिर्फ मीथेन में ही हो सकता है, बस मीथेन इज दी ओनली आंसर, ठीक है, फॉर माइनस फोर। और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है ना, या आप समझ गए होंगे, जीरो भी आ सकता है वगैरह वगैरह। अच्छा एक बस क्वेश्चन मुझे और बता दें, सवाल का जवाब, मीथेन में कार्बन माइनस फोर होता है, इथेन में कार्बन क्या क्या होते हैं, CH3 होता है इथेन, उसमें भी सर -3 होते हैं, -2 होगा सर -2। सोच लें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, -2 होगा या -3 होगा, -3 सर, -3 सर, -3 होगा, वेरी गुड। अब मेरी बात सुने,
मीथेन कार्बन वर्सेस इथेन कार्बन विच इज मोर ऑक्सीडाइज्ड सर इथेन का होगा शाबाश क्योंकि इथेन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है इथेन के कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है ना तो हायर द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन बढ़ती जाएगी जाहिर सी बात है इसी तरह आप प्रोपेन पे आ जाएं अगले मेंबर पे तीसरे मेंबर पे तो जो बीच वाली कार्बन होगी प्रोपेन की CH3 CH2 CH3 बीच वाली कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी होगी ना क्योंकि दो कार्बन है तो देख रहे मीथेन इथेन प्रोपेन किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है सेंट्रल कार्बन की -4 से -3 -3 से -2 ऐसी हो रहा है ना ठीक है यस सर गुड अच्छा अब मैं आईएचडी एक नया टॉपिक है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैं दोबारा पीछे आता हूं मैं आपको एक प्रैक्टिस और कराता हूं ठीक है इस पे आ जाए दोबारा हमने पहली इक्वेशन को ऑक्सीडेशन कहा था और उस वक्त हमने जब हमें ये नहीं पता था ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना नहीं आती थी लेकिन हमने फिर भी कहा था क्योंकि हमने वो कॉन्सेप्ट लगाया था कि वन बॉन्ड टू हेट्रो एटम से आप टू बॉन्ड टू हेट्रो एटम पे जा रहे हैं ना अब इसी सवाल को ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से सॉल्व करते हैं मैं इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली कार्बन ये वाली COH वाली यानी अल्फा कार्बन ये कार्बन ऑक्सीडाइज होके कुछ और बना रही है तो मुझे ये बताइए इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस वक्त प्लस वन जीरो है शाबाश जो प्लस वन बता रहे हैं मैं उनको जवाब दे दूं देखिए जीरो इसलिए है कि ये कार्बन दो तरफ कार्बन से कनेक्टेड है तो जीरो है एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो प्लस वन और माइनस वन नलीफाई होकर जीरो हो जाएगा अब यहां बताइए प्लस टू है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन हो रही है यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है तो जीरो से प्लस टू पे जा रहे हैं अच्छा इस वाले की क्या है इसका मतलब है इस पे तो कोई फर्क आया नहीं है तो जहां पे फर्क आया है जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है खाली उसको डिस्कस करेंगे वरना बिला वजह मैं यहाँ पे 10 कार्बन की चेन बना दूं तो वो तो टाइम जाया करने वाली बात है ना कि आप हर कार्बन की आप निकालते रहेंगे तो सिर्फ उस कार्बन की आप निकालें जो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है कुछ और में ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा अब इसकी निकालें इस कार्बन की भी यकीनन जीरो होगी है ना वो तो वही बात है यस सर इसकी क्या इसकी क्या होगी इस वाले की इसकी भी जीरो है इसकी भी जीरो है यही वजह है कि मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को नन कह रहा हूं ठीक है Yes, मैंने आपको दूसरे तरीके से सिखाया एक तो मैंने सीधा सीधा बताया था कि हेट्रो एटम के साथ जो कार्बन का बॉन्ड्स की तादाद होती है उसको कंसीडर कर लें वरना कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कर लें ठीक है अच्छा अब आते हैं इस पर जो मेरा मकसद था कराने का इस कार्बन की क्या है जो मैं देखें हाथ हाईलाइट कर रहा हूं -1 सर शाबाश और इसकी क्या है -1 है ना -1 ठीक है -1 इसकी बताइए सीबीआर वाले की सीबीआर की शाबाश अब देखिए -1 से जीरो ऑक्सीडेशन कहलाएगी ना यस सर बिल्कुल कहलाएगी तो इसका मतलब है ये वाली कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है बिल्कुल हुई है अब इसकी बात करें -1 से ये क्या हुआ है -2 तो ये क्या हुआ -2 नहीं रिड्यूस हुआ है ठीक है वेरी गुड तो मैं यही बात थोड़ी देर पहले कह रहा था आपसे कोई 20 मिनट पहले कि ये वाली कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है ये वाली कार्बन रिड्यूस हुई है तो ओवरऑल हम इसको नन कह रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली बात करें तो बिल्कुल ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी और ये बिल्कुल रिडक्शन कहलाएगी कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नन कहेंगे ठीक है अच्छा अब यही बात यहां पे लागू एप्लीकेबल करते हैं ये कार्बन क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से कार्बोनाइल कार्बन अमाइड की +3 ये वाली क्या है नाइट्राइल वाली कार्बन सी ट्रिपल बॉन्ड है +3 आप समझ गए होंगे +3 से +3 बरकरार है इसलिए मैं इसको नन कह रहा हूँ ठीक है
यहाँ पे भी यही जवाब है, प्लस थ्री से प्लस थ्री, ठीक है। अच्छा समझ में आ गई मेरी बात? जी सर। यस सर। चले चले, अब ये अगला टॉपिक क्या नाम है इसका, आईएचडी, ये मैं कराऊंगा। मैं अब सिर्फ अजान का ब्रेक दे रहा हूँ 2 मिनट का, ठीक है। तो अब हम दूसरा टॉपिक कवर करते हैं, बल्कि ये आखिरी टॉपिक होगा आज के लेक्चर का। आप लोग मुझे, मेरी आवाज आ रही है? यस ओके। अच्छा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, शॉर्ट में कहते हैं आईएचडी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस डीबीई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यू, ये तीनों टर्म्स आपको लिटरेचर में मिलेंगी, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। आसान लफ्जों में समझाऊंगा आपको। पेंटेन की मिसाल ले लेते हैं, 5 कार्बन वाली एल्केन, C5H12 पेंटेन। अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दें, C5H10 कर दें, तो उसको क्या कहेंगे? पेंटीन। पेंटीन, ठीक है, वेरी गुड। 2 हाइड्रोजन और माइनस कर दें, C5H8 इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन माइनस करने का मतलब है एक डबल बॉन्ड लाना, ठीक है जी सर। फिर मजीद 2 बॉन्ड माइनस करे तो एक और डबल बॉन्ड लाना, या तो 2 डबल बॉन्ड लिया है या 1 ट्रिपल बॉन्ड लिया है, ओवरऑल एक ही बात है। तो उस मॉलिक्यूल में अनसेचुरेशन डेवलप हो जाएगी हाइड्रोजन के कम होने की वजह से, ठीक है। यानी सेचुरेटेड मॉलिक्यूल था, अच्छा भला आपने उसकी उसमें अनसेचुरेशन देकर आ गए। तो एक डबल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में नजर आता है आपको, तो इसका मतलब है उसकी जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो 1 है, या आईएचडी कह लें वो 1 है। अगर 2 डबल बॉन्ड नजर आते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 आईएचडी हो गई, यानी इसमें 2 अनसेचुरेशन डिग्रीज हैं। 3 पे 3, जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उतनी नंबर ऑफ आईएचडीज होंगी या नंबर ऑफ यूज होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में चूंकि 2 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 आईएचडी, ठीक है। तो अब इसमें आप कॉम्बिनेशन कोई भी लगा लें, एक मॉलिक्यूल में 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड है, हो सकते हैं ना, तो कितनी आईएचडी टोटल हुई? 1 ट्रिपल 2 डबल 4 क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2 और डबल बॉन्ड की वजह से 1 प्लस फिर 1 और डबल बॉन्ड 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अच्छा, रिंग अगर बना दें यानी साइकिल बन जाए तो भी एक आईएचडी आएगी, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि पेंटेन है C5H12, इसके 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो आपने कहा कि वो पेंटीन कहलाएगा, लेकिन आपने ये बात इनकम्प्लीट कही है। जरूरी नहीं है कि C5H12, हाँ साइक्लोपेंटेन, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो पेंटीन ही बने C5H10, वो साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। यानी जो साइक्लोएल्केन होता है, नॉट साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्केन, वो भी अनसेचुरेटेड होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जब कम होते हैं तो जब भी तो कार्बन कार्बन का क्लोजर होता है, ठीक है। तो एक रिंग या एक डबल बॉन्ड बराबर है अनसेचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मजीद बात समझ में आएगी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मैं जरा ये क्वेश्चन पढ़ लूं आपका, ताकि ये ना हो कि पिछला कोई सवाल हो आपका, ठीक है। चले, कोई क्वेश्चन नहीं आपका। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड, यू आर एक्सक्यूज्ड, बोलिए सर, प्लीज ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी मॉलिक्यूल में फुल सेचुरेशन होती है, सेचुरेशन मतलब कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, कोई रिंग नजर नहीं आ रहा, तो इसके उसकी जो आईएचडी वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी उसमें कोई अनसेचुरेशन है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। अब उस मॉलिक्यूल में अगर 2 हाइड्रोजन कम कर देते तो एक डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी उसमें अनसेचुरेशन आ जाती है। तो एक डबल बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल में डेवलप होता है कोई रिएक्शन करके, तो आप इसका मतलब है आपने उसको अनसेचुरेटेड बना दिया, तो आपने उसकी आईएचडी वैल्यू 1 कर दी, 2 पे 2 कर दी। जैसे जैसे मैं मिसाल दूं, अल्कोहल होता है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दे तो एल्कीन बन जाता है, अल्कोहल में से OH निकाल दे और उसकी साथ वाली यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे, तो वो 1 आईएचडी हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बाकी चीजें समझाता हूं इस डायरेक्ट एग्जाम्पल से। ये देखिए,
ये सवाल है, राइट द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. आपके सामने मॉलिक्यूल स्क्रीन पे मौजूद है और आपको जवाब देना है. पहले देखें, ये सी डबल बॉन्ड ओ जिसको कार्बोनाइल पढ़ते हैं, और वैसे ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये एस्टर है क्योंकि साथ में फॉरन ऑक्सीजन लगा हुआ है, ईस्टर इसको कहते हैं, एस्टर भी कहते हैं. तो ये एक आई एच डी है बिकॉज ऑफ दिस, और एक आई एच डी है बिकॉज ऑफ दिस. सो टू डबल बॉन्ड्स ओवरऑल हैं, तो ओवरऑल आई एच डी इस पूरे मॉलिक्यूल की टू कहलाएगी. आई एच डी टू कह लें या अनसेचुरेशन टू कह लें, ठीक है. इस मॉलिक्यूल की आई एच डी चार है. यहां कोई मुझे जवाब दे सकता है कि चार कैसे, कोई मुझे जस्टिफाई करे मिडिल मॉलिक्यूल की? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड. वेरी गुड, शाबाश. क्या नाम है आपका? हमना जिस्कानी फ्रॉम कराची. गुड, वेरी गुड. बस यही सबसे ट्रिकी चीज थी जो आपने बता दी, मैं बाकी को भी समझा देता हूँ. देखिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से दो आई एच डी हो गई, यानी दो अनसेचुरेशन हो गई, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से एक हो गई, तो तीन हो गई टोटल. अब स्टूडेंट बताओ क्या गलती करते हैं, वो तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, वरना अगर मैं नहीं लिखता ना तो अक्सर स्टूडेंट इसको तीन मानते हैं, क्योंकि वो नाइट्रो भूल जाते हैं कि नाइट्रो को अगर खोल के लिखा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है दूसरी ऑक्सीजन के साथ. तो वन आई एच डी बिकॉज ऑफ नाइट्रो, वन आई एच डी बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, टू आई एच डी बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सो इफ यू एड अप ऑल दीज आई एच डीज यू विल एंड अप टू फोर आई एच डी, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द लास्ट मॉलिक्यूल, देर आर नाइन आई एच डीज, कुड यू जस्टिफाई वाई नाइन? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन, वेरी गुड, शाबाश. डबल बॉन्ड्स एंड देन टू ट्रिपल बॉन्ड्स, सो देन दैट मेक्स नाइन. ओके, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कन्विंस नहीं हो रहा नाइन से, इसको लग रहा है कि एट होनी चाहिए थी या सेवन? नहीं ऐसा कोई स्टूडेंट? ओके, लेट मी जस्टिफाई वाई नाइन. देखें, कार्बन कार्बन ये एक रिंग है, साइकिल है, साइकिल या रिंग एक ही बात है. तो एक आई एच डी रिंग की वजह से, एक आई एच डी दूसरे रिंग की वजह से, टोटल ये बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, यानी दो साइकिल्स हैं इसमें ना, तो दो आई एच डी हो गई दो साइकिल की वजह से. फिर तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तो तीन और ऐड कर लें दो के अंदर, पांच हो गया, टू प्लस थ्री फाइव. ट्रिपल बॉन्ड की वजह से दो ऐड कर लें तो सेवन हो गया, और ये भी ट्रिपल बॉन्ड है सी एन नाइट्राइल, तो फिर दो ऐड कर लें तो नाइन आई एच डी टोटल आ गई. तो देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है यहां पर भी. मैं बताता हूं क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्कीन जिसे कहते हैं, वो तो देखते ही नजर आ जाएगा कि एक आई एच डी होगी, यानी पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन आई एच डी. अब जितने होंगे उतने ऐड कर लेंगे. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी नजर आ जाएगा, पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टू आई एच डी हो जाएंगी. इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर है जिसको कार्बोनाइल कहते हैं, वो भी आप आराम से पहचान लेंगे कि वन आई एच डी होगी. कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, जब भी आप पहचान लेंगे कि एक आई एच डी होगी. तो आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी? बेसिकली आपको प्रॉब्लम होगी नाइट्रो में. जहन में रखिएगा, नाइट्रो की वजह से वन आई एच डी होती है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड होता है, और ये नाइट्राइल कहलाता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन. नाइट्राइल की वजह से दो आई एच डी होगी. ये दो बस आपको थोड़ा सा बॉदर करेंगे क्योंकि इनके अंदर आई एच डी छुपी हुई होती है. हम आपको अपेरेंटली नजर नहीं आ रही होगी लेकिन ऑब्वियसली होगी. बेंजीन मॉलिक्यूल में कितनी आई एच डी होगी? फोर. वेरी गुड, फोर जिन्होंने कहा उनको शाबाश, क्योंकि एक रिंग की वजह से है और तीन डबल बॉन्ड की वजह से है, तो टोटल हो गए चार, फोर आई एच डी होगी, ठीक है. यहाँ पे स्टूडेंट बताओ गलती क्या करता है अमूमन बेंजीन में, बिगिनर मतलब आप जैसे बिगिनर्स हैं, वो तीन कह रहे थे क्योंकि वो ना तीन डबल बॉन्ड तो उनको नजर आ रहे होते हैं और वो उसमें इतना मगन हो जाते हैं कि वो रिंग भूल जाते हैं. हालांकि उनको अलग से मैं साइक्लोहेक्सेन बना के दिखाऊंगा तो बोल देंगे कि वन आई एच डी होती है साइक्लोहेक्सेन की, लेकिन बेंजीन दिखाऊंगा तो वो तीन बोलेंगे, चार नहीं बोलते. तो ये ऐसा हो जाता है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं बेंजीन की फोर आई एच डी होती है. अच्छा, अब वापस मेरी बात सुनिएगा. हमने थोड़ी देर पहले फंक्शनल ग्रुप्स को रिकॉल किया था और पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स, तो उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से मैं आई एच डी आपको प्रैक्टिस कराता हूं. क्या मतलब,
ये रहे फंक्शनल ग्रुप्स, ये रहे। एल्कोहल की आईजी कितनी होगी पता, अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो, अकेला एल्कोहल हो, तो कितनी आईजी होगी? जीरो। जीरो, वेरी गुड। जीरो, वेरी गुड। थायोल में कितनी होगी? जीरो। अच्छा जहन में रखिएगा ये, हाँ, ये बात उस वक्त एप्लीकेबल है जब कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद ना हो, यानी मोनो फंक्शनल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, वरना आप बोले सर अगर साथ में हम एल्कीन भी लगा दें तो यकीनन बन हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल। अमीन की क्या होगी? जीरो। जीरो। हेलो एल्केन बोलते ना जल्दी जल्दी। जीरो। नाइट्रो एल्केन जीरो। वन 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 वन। ईथर थायो ईथर जीरो। एल्कीन एल्कीन वन वन। एल्केन जीरो। जीरो। और ये जो बाकी जितने सारे भी लिखे हैं इसमें इन नीचे वालों में कितनी होगी, यानी डाय हेलो एल्केन जेम डायोल हेमिलिंटर में कीटल में? जीरो। जीरो सर। ठीक है, बाकियों में कितनी है? वन है सब में, एल्डिहाइड कीटोन देखे सब वन है ये इनमें, और ये भी सारे वन वाले हैं, ये सारे वन वाले हैं यहाँ तक। जी 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 बिल्कुल एल्काइन टू है, लेकिन यस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वन ट्रिपल बॉन्ड, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा था, ठीक है, इन कार्बोनाइल और थायोकार्बोनाइल की। तो बहरहाल ये समझ गए ना आप आईडी, इसको ये भी थोड़े से आप कोरिलेट कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप मौजूद है तो वन आईडी उस नाइट्रो की वजह से होगी, ठीक है, और बाकी भी है तो वो अलग मसला है, लेकिन बहरहाल नाइट्रो की वजह से वन एटलीस्ट होगी। या मेरी बात को आप यूं समझ लीजिए कि नाइट्रो कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की आईडी जीरो नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है ना, बात तो वही घुमा के मैंने वही बात कर ली आपसे, ठीक है जी सर। और अगर नाइट्राइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो कम से कम दो आईएचडी उसकी होगी, उस मॉलिक्यूल की कम से कम, जीरो नहीं हो सकती, वन भी नहीं हो सकती, एटलीस्ट दो होगी। अच्छा मैं कम से कम लफ्ज क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं बोल देता दो होगी? क्योंकि सर अगर मॉलिक्यूल लंबा हो तो ज्यादा बॉन्ड्स हो सकते हैं। बिल्कुल शाबाश, हो सकता है कि भाई और भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, साथ में नाइट्रो भी चिपका दें हम नाइट्राइल के साथ कहीं और, मतलब 10 कार्बन की चेन है, कहीं पे CN लगा, कहीं पे NO2 लगा हुआ है, तो मिला के 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा मैं सेफ साइड की बात कर रहा हूँ ताकि बात की पकड़ ना हो, अगर नाइट्राइल मौजूद है तो एटलीस्ट दो आईडी तो होगी होगी फॉर श्योर, ठीक है ना। तो वेरी गुड शाबाश, आप लोग अच्छी तरह मेरी बात को पिक कर रहे हैं। अच्छा अब ये एक टॉपिक रहेगी है, लेकिन मैं ये नहीं करा रहा, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ आपको ये वाला आइसोमेरिज्म वाला, ये बड़ा टॉपिक है, ये इंशाल्लाह मेरे तीसरे लेक्चर में शामिल होगा, थर्ड लेक्चर में, लेकिन ये अब चूंकि अब आपका एग्जाम होगा संडे को तो इसमें भी ये शामिल नहीं करेंगे। तो जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया है ऑब्वियसली वही एग्जाम का पार्ट होगा, ठीक है। मैं लेक्चर जब खत्म करूंगा ना तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा डॉक्टर सिद्रा के थ्रू, तो वो आप जरूर देखिएगा, पिछली वीडियो भी दोबारा देखिएगा, नई वाली भी देखिएगा। अच्छा अभी मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, जरा मैं इस पर दोबारा आ जाऊं, इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, अभी यहाँ पास टाइम है क्योंकि हमने ये इसकी प्रैक्टिस नहीं करी अभी, ये तो हमने कर लिए थे सारे। हाँ अब इस पर आए, सॉरी इस पे, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ये हमने नहीं निकाली थी ना अभी, हाँ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी बताइए जीरो माइनस थ्री। शाबाश शाबाश, इसकी देख लिया आपने जीरो, ठीक है जीरो सर। इसकी प्लस टू शाबाश। इसकी माइनस टू वेरी गुड। अगली माइनस वन सोच लें जीरो जीरो। देखिए भाई जीरो इसलिए है कि ये वाली कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी क्या होगी फिर, इसकी भी जीरो होगी, लाजमी बात है। इसकी माइनस टू इसकी जीरो और बाकी होगी माइनस थ्री। वेरी गुड। हाँ भाई तो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इसकी बताएं ऊपर वाली की, सबसे ऊपर वाली की -1. अच्छा ये तो हम कर चुके हैं, मुझे याद आ गया है ना, ये तो मैंने करा दिया था ना आपको, तो ये तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये तो हम कर चुके हैं. तो बहरहाल ये हमारा आज के टॉपिक्स खत्म हो गए. तो कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, पूछिए. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर. पूछिए, नाम और शहर बताइए. सर मैं शाजिल फ्रॉम मियांवाली. सर दरअसल मैंने स्केलेटल फार्मूला का टॉपिक पहली बार पढ़ा है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग यू कैन से वन फार्मूला, केमिकल फार्मूला, 3-ethylhexane को सर कैसे लिखेंगे? अच्छा 3-ethylhexane. यस 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 यस, जस्ट गिव मी अ मिनट. ये स्क्रीन मैंने ख्याल से मैंने अनशेयर कर दी है, ऐसी है ना? यस यस सर, इट्स डेलिब्रेट. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अगेन. ये रहा, मैं बताता हूँ क्या बोला था, आप बताइए सवाल. सर 3-ethylhexane का स्केलेटल फॉर्मूला. ओके ओके ठीक है, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. वेलकम सर. ये रहे हेक्सेन में 6 कार्बन हो गए, ठीक है. अब 1, 2, 3 यहां पे ये बन गया 3-ethylhexane, सही है? सर हमने दूसरी साइड से क्यों नहीं बन लिया? कर दे, आपकी मर्जी है, एक ही बात है, मैं करके दिखा देता हूं. ये रहे, ये यहां से कर ले काउंटिंग, 1, 2, 3 ये कहना चाह रहे हैं ना आप? बोथ आर सेम. यस सर, बोथ आर सेम, जो आपका दिल करे बना ले, ठीक है. बल्कि आप चाहें, जैसे ये मिथाइल देखे, ये लेफ्ट साइड पे मोड़ रहा है, आप इसको राइट पे मोड़ ले तब भी एक ही बात है. ये यहां मैंने, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये कर लें तब भी एक बात है, कोई इशू नहीं है. और क्वेश्चन कोई? थैंक यू सर, वेलकम. सर मुझे नाइट्रो का नहीं समझ आया, 1-IHT क्यों होता है? अच्छा वो इसलिए होता है कि नाइट्रो जो होता है ना उसका, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं यहां इसको नाइट्रो बना देता हूं फर्स्ट करें ना, तो नाइट्रो का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, वो ऐसा होता है, ये इज समथिंग लाइक दिस. Let me show the charges as well. ये रहा, नाइट्रोजन हैज द प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज द माइनस चार्ज. ये नाइट्रो होता है, NO2, यानी यूं लिखें, या फिर मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं कॉम्पैक्ट करके इसको, या तो आप इसको यूं लिख दें, बोथ आर सेम वे टू राइट द नाइट्रो. आप इसको यूं लिख दें या यूं लिख दें, देखिए दोनों को कंपेयर करें, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ मैंने नाइट्रो को खोल के लिख दिया, तो इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो 1 IHD हमने इसकी लिखी थी. और सवाल? एक्सक्यूज मी सर. जी जी एक्सक्यूज सर. ये नाइट्रो में एक डबल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड पूरे, तो सर दूसरी ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड है? कार्बन के साथ कहां, नाइट्रोजन के साथ है ना बॉन्ड, तो ये तो नाइट्रोजन है, कार्बन तो ये रहा. ओके सर, एक ये नाइट्रोजन से, एक कार्बन से हो गया, 2 ऑक्सीजन से, 3 बॉन्ड पूरे नाइट्रोजन के जी, ये ऑक्सीजन के साथ दूसरा बॉन्ड कौन सा? तो जब भी तो मैं आपको, हाँ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ठीक है. देखिए मैंने आपको इसीलिए कहा था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो अगर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी यानी 3 बॉन्ड बना रहा होता, चाहे 3 सिंगल बॉन्ड या 1 डबल 1 सिंगल या 1 ट्रिपल, तब तो नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होता. लेकिन नाइट्रोजन अपनी नेचुरल वैलेंसी से डिविएट कर गया, 3 के बजाय 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 वैलेंसी शो कर रहा है, इसीलिए तो इसके ऊपर चार्ज आया है, जो मैं आपसे कह रहा था, ठीक है ना? Yes, sir. चार्ज आता है उस वक्त से है जब कोई एलिमेंट अपनी नेचुरल वैलेंसी से डिविएट कर जाए, तो इसलिए चार्ज आया है. वैसे अगर आप बॉन्डिंग की नेचर जानना चाह रहे हैं, तो एक लेडी स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसको डेटिव बॉन्डिंग भी कहते हैं, 1-sided शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके नतीजे में ये बॉन्डिंग बनी है. इसको आप इस तरह लिखें प्लस माइनस करके, या एक और तरीका होता है, यहाँ पे एरो बना दिया जाता है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, तो जब अगर आप एरो बनाएंगे तो फिर आप प्लस माइनस चार्ज शुरू नहीं करते, वो दूसरा तरीका होता है लिखने का, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का. थैंक यू वेलकम. जी हम बेंजीन रिंग को 1 HT क्यों लेते हैं, 1 IHT क्यों लेते हैं? नहीं लेते हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, 1 नहीं लेते. सिर्फ रिंग की बात कर,
रिंकी अच्छा नहीं नहीं रिंकी नहीं, वो तो मैंने ये कहा था साइक्लोहेक्सेन की बन लेते हैं, ये इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 4 है, ये है, मैंने ये कहा था, आपने शायद आपके सुनने में कोई गलती हुई है या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये 1 है ये 4 है। ओके सर ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, बेंजीन के तो सारे बॉन्ड्स एक जैसे नहीं होते सर, हम ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं? अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो डी लोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बात आप यकीनन करना चाह रहे हैं कि कोई भी बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, ये कंटिन्यूस मोशन में होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन आपको पता है वेव नेचर की होती है, तो अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि आप अंदर एक डॉटेड सर्किल बना दें, लेकिन बहरहाल आप जब इसकी सेचुरेशन करना चाहें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो आपको 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 3H2, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा, तो वहां से ये इन्फेरेंस मिलती है कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड बहरहाल मौजूद होते हैं। वो अलग बात है कि वो डबल बॉन्ड लोकलाइज नहीं होते, आप इसको चलता हुआ पंखा समझ लें, जो पंखा होता है ना उसकी 3 पंखड़ियां होती हैं, लेकिन जब वो चल रहा होता है तो आपको कोई पंखड़ी नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन बहरहाल होती तो है ना उसमें, तो इसी तरह 3 डबल बॉन्ड होते हैं लेकिन वो मुसलसल मोशन में होते हैं, यानी डी लोकलाइज होते हैं, ये यहां आएगा तो अगला यहां मुसलसल, तो उस बेसिस पे हम इसको 3 आईडी मानेंगे, 3 डबल बॉन्ड की और एक रिंग की, तो 4 हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन? सर साइक्लोहेक्सेन की 1 क्यों लेते हैं आईडी? इसलिए लेते हैं कि उसमें एक रिंग होता है और कुछ और नहीं होता इसके अलावा, आप अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें तो क्या बनेगा, C6H12 बनेगा ना, आप क्या आप निकाल के देख लें, मतलब 6 कार्बन है और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है CH2, तो C6H12 एल्कीन का फॉर्मूला होता है C6H14 एल्केन का होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो रिंग आ रहा है, अगर आप यहां से इसको खोल देंगे, मेरा मतलब है अगर आप ये देखें कि इसको यूं कर देंगे ना, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और उस सूरत में ये C6H14 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 टर्मिनल वाले कार्बन है ये CH3 और CH3 हो जाएंगे, तो एक एक H ऐड हो जाएगा इसमें। ओके सर थैंक यू, वेलकम। और IHD भी 0 हो जाएगी यकीनन इसकी। और कोई क्वेश्चन है आपका? ओके तो थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग द पेशेंस एंड लर्निंग। After the end of the lecture, I will share the video of today's lecture, जो मेरे पास recorded है, YouTube channel पे मौजूद है, मैं वो link share कर दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा और पिछले lecture की भी देखिएगा, ताकि आपकी better understanding हो, and please subscribe the channel as well, ठीक है? Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.